राष्ट्र मंडल कई वर्षों से गणेश उत्सव का आयोजन करता आ रहा है और ऐसे में इस वक्त महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष संजय भोसले जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हर वर्ष कुछ नया होता है महाराष्ट्र मंडल में, और इस बार की अगर बात की जाए संजय जी, तो क्या कुछ खास है ये बताइए जी। प्रथम तो देशवासियों को, बिहार वासियों को, मेरे प्यारे पटना वासियों को, महाराष्ट्र मंडल पटना की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष हम लोग तो गणेश पूजा का यहाँ आयोजन बहुत ही धूमधाम से आप लोगों के सभी भक्तजनों के सहयोग से हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे करते आ रहे हैं। और इस बार विशेष तौर पे हम लोग बताना चाहते हैं, पिछले साल भी हम लोगों ने 21 लाख का मुकुट गणेश जी को मंगाया था विशेष तौर पे मुंबई से ही, तो इस बार भी हम लोगों ने उसको बढ़ा करके 21 की जगह 30 लाख का मुकुट हम लोगों ने मंगा करके, हिराजड़ित मुकुट मंगा करके हमारे गणेश जी को अर्पित कराए हैं। और विशेष तौर पे आप सभी को पता ही है कि हर साल हम लोग लालबाग के राजा की ही प्रतिकृति हम लोग मंगाते हैं मुंबई से, तो हर साल हम लोग 5 फीट की मंगाते थे, इस बार उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 7-6 फीट की मंगाई है। विशेष तौर पे सभी लोगों को मालूम ही है कि लालबाग के राजा मुंबई में बहुत ही प्रचलित गणेश जी हैं और मन्नत के राजा हैं, जो जो भक्तजन बोलते हैं उनको वहाँ मन्नत उनकी पूरी होती है। तो हम लोगों ने भी सोचा कि पिछले 2011 से हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों नहीं लालबाग के राजा की प्रतिकृति मंगा करके यहाँ बिहार वासियों को दर्शन कराया जाए महाराष्ट्र मंडल से। विशेष तौर पे दूसरा एक आकर्षण का केंद्र यहाँ पे बना हुआ है, हम लोगों ने प्रभु राम जी की जो अयोध्या में हम लोग तो भाग्यशाली हैं कि हम लोग जो 500 साल से हम लोग यानी हमारे पूर्वज नहीं देख पाए थे, वो हम लोग साक्षात हम लोग के सामने उसका जो न्यायालय का फैसला था अधीन पड़ा हुआ था, उस बार हम लोग के सामने उसको उसका निवारण हुआ और प्रभु राम जी अपने जो टेंट में थे भव्य मंदिर में वहाँ विराजमान हो गए। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं राम मंदिर की ही यहाँ पे झलक यहाँ पे हम लोग महाराष्ट्र मंडल में दिखाने का प्रयास करें, और उसमें हम लोग सफल भी हो पाए और प्रभु राम जी का जो गर्भगृह है उसको यहाँ पे हम लोगों ने प्रकट किया है। अच्छा, संजय जी, पंडाल तो खूबसूरत बनता ही है, भव्य बनता है हर वर्ष, लेकिन इस बार अगर बात की जाए, जैसे आपने पहले भी बताया, मुकुट की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि हीरे जड़ित जो मुकुट है वो गणपति जी को पहनाया गया है। जी, तो विशेष तौर पर मैं बताता हूँ, हमारे जो आरती होती है गणेश जी की, तो उसी में एक दो लाइन है कि हीरा जड़ित मुकुट शोभे तो भरा, यानी गणेश जी को हीरा जड़ा हुआ मुकुट बहुत शोभता है। तो हम जो महाराष्ट्र मंडल के जो सदस्यगण हैं, मेंबर्स हैं, उन्होंने सोचा क्यों नहीं हम लोग गणेश जी को जो आरती में है वही वाला हीरा जड़ित मुकुट हम लोग धारण कराया जाए हम लोग कमेटी की ओर से। तो पिछले बार हम लोगों ने 21 लाख का बनाया था मुकुट, तो इस बार उसको बढ़ा करके 30 लाख का बना करके हम लोगों ने मुंबई से स्पेशली मंगाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष संजय भोसले जी से बातचीत हो रही थी, क्या कुछ बता रहे हैं पूरे के पूरे इस गणेश उत्सव के कार्यक्रम के बारे में, साफ तौर से आपने सुना है।